ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर तो है गाइस आपका स्वागत है मेरे चैनल सबसी पे। तो आज मैं आया था यहाँ पर यमुना घाट के द्वारा। इसके बारे में काफी ज्यादा मैंने सुना था, काफी ज्यादा देखा था, बहुत से ज्यादा व्लॉग वगैरह मैंने इसमें बहुत ज्यादा चर्चा वगैरह देखी थी कि हाँ की चीज बहुत ज्यादा यहाँ के जो झील वगैरह नाव वगैरह बोटिंग वगैरह और यहाँ पे जितने भी बगले वगैरह बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस वगैरह यहाँ के सामने आपको अंग्रेज जैसे पुल नजर आ जाएगा और सेम कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही जगह जगह बैठे हुए नाव के जो घुमाने वाले पर्सन यहाँ पे जो आदि बैठे रहते हैं जो आपको राइडिंग के लिए घुमाते रहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैं सोच रहा था यहाँ पे एक राउंड एक लगाते हैं ट्राई करके उसके बाद यहाँ पे आया हुआ था तो यहाँ पे आया हूँ तो पूरी आगे से लेकर नीचे तक आपको पूरी व्यूज वगैरह आपको यहाँ को एंगल आपको मिल जाएगा। देखते हैं आगे की तरफ क्या आता है कि नहीं आता है, उसके बाद उसका आगे का बताता हूँ मैं। तो सेम जैसी नदी है आपको ऐसी नदी आपको वहाँ मिल जाएगी हमारे घर की तरफ यमुना नदी, उसका भी आपको सीन वगैरह वो भी दिखा दूंगा। बिल्कुल सेम ऐसी नदी है, थोड़ा सा फर्क यहाँ पे जीना बना रखा है और थोड़ा सा आगे सेम कालिंदी कुंज की तरफ वहाँ भी जीना बना हुआ है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे बोटिंग का सिस्टम दे रखा है लेकिन हमारे साथ बोटिंग सिस्टम इसलिए दे रखा क्योंकि वो है वहाँ पर डैम बना हुआ है और जो डैम की तरफ से पानी निकलता है छाव वगैरह निकलता है वहाँ पर थोड़ी सी बदबू आती है, आपकी बदबू आ तो रही है लेकिन इतनी बदबू आप आ नहीं रही है, दोनों फर्क इतना चीज़ है। लेकिन आपको वो भी दिखा दूँगा जो हमारा कालिंदी कुंज का जो हमारा यमुना नदी है और सेम यहाँ पे जो हमारा देखा यमुना घाट का जो नदी है दोनों सेम जिसमें लग रहा है, एक्चुअली कुछ फर्क नहीं। यहाँ पर बोटिंग का फर्क आपको मिल जाता है और दूसरा बगले और कबूतर आपके यहाँ पहुँचे मिलते हैं। मैं कह नहीं सकता यहाँ कि आपको आओ या घूमो या नहीं, लेकिन जो चीज़ मेरे को वहाँ पर आके खुद मैं लाया आके खुद चेक कर रहा हूँ कि वो मुझे कैसा लग रहा है या कैसे नहीं लग रहा है, जो व्यू जंगल आप खुद देख रहे हो कुछ नहीं जाके बतासे वगैरह दिए वगैरह या कुछ फूल मिर्ती अगरबत्ती वगैरह जहाँ पे लगा के छोड़ देते हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान से देख के चलना पड़ता है। अब बाबा को देख रहे हो सफाई वगैरह कर रहे हैं बाबू वगैरह वही है तो उसी तरह हो रहता है, आप नीचे बाबू को देख रहे हो नीचे सफाई कर रहे हैं वो चीज़ें रहता है आपको। यहाँ पर हम बस घूमने के लिए आए थे, बस हमने जो घूमना था हमें जो देखना था उसी हमने आप देख लिया तो ये चीज़ हमारे प्रोसेस वगैरह ज़्यादा चिक है नहीं तो चलते हैं हम आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है सेम आपको मैं वहाँ की वीडियो दिखा दूंगा जो कालिंदी कुंज की है, एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको और आपको ये भी देख लेना जो आप देख ही रहे हो, दोनों कुछ प्रोसेस ज़्यादा सेम नहीं है एक्चुअली। हाँ जो लोग उनके लिए चीज़ वो ठीक रहेगी भैया जिनके पास कालिंदी कुंज जिससे उनके हम उनके पास में नहर वगैरह नज़दीक में है नहीं, हमारे पास है तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। तो ये तो हमारा राजघाट का जो हमारा दिख रहा है आपको चारों तरफ जो कबूतर वगैरह उड़ते नजर आ रहे हैं, कुछ कुछ बगले हैं जो यहाँ पे हैं या फिर अभी नहीं है भैया जी से पूछा तो भैया जी ने बता रहे थे यहाँ पर ये 4 बजे का टाइम कहाँ पर टाइम होता है जो आप जो एंगल व्यू होंगे जो आपको देखने को मिलेगा वो टाइम होता है 4 बजे का 4 बजे का 4 बजे शाम को, जो सुबह नहीं आ सकते शाम को आ सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो शाम को टाइम का जो सीन बताया अगर आपको आना तो शाम को आ सकते हैं, हम ये हमारा टाइम थोड़ा गलत हो गया है कुछ ज्यादा जल्दी आ गए थे, शाम को अगर आओगे तो वो थोड़ा देखने में कुछ सीन अच्छा मिल जाएगा होगा और मजे से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। ये है तो चलते बाहर का सीन जो था हमारा यहीं तक था। शिव जी की मूर्ति तो अंदर का आपको ये मिल जाएगा सीन वगैरह, जहाँ आप एंट्री जब करते हो तो सीधा जो निकलोगे एंट्री की तरफ का आपको ये मिल जाएगा, तो यहाँ का मिल जाएगा यहाँ ये इंस्टाग्राम पे YouTube पे 24 की तरफ का है, यहाँ से आओगे तो कोई नहीं हम सीधे हमारी जो गाड़ी जो खड़ी हो रही है हमने सीधा यहीं कर दिए आने सकते हो आप, अगर आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप कश्मीर गेट की तरफ से उतर गए आप सीधा आ सकते हो। नज़दीक हमारे यहाँ से पड़ गया था चांदनी चौक से जो हमारे से हम आए थे लाल किले की तरफ से वहाँ से हमारा नज़दीक पड़ गया था, अब सीधा हम जा रहे हैं बाहर की तरफ ही। ये पार्किंग की तरफ से यहाँ पे कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं, जैसे आप पार्किंग होती है पार्किंग नहीं है लेकिन यहाँ जो फुटपाथ की तरफ से जो गाड़ी लोग खड़ी कर रहे हैं वहाँ पर है, यहाँ से घूमते हुए आपको सीधा उधर की तरफ जो मिलेगा ये लाल किले से हम थोड़े से 2-3 राउंड मुड़ के सीधा अंदर की तरफ आए हुए हैं और जस्ट हमने आपको यहाँ पे जगह जगह आपको जीना वगैरह मिल जाएंगे चढ़ने के लिए, आपको उस रूट की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर यमुना घाट का दे रखा है, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है जो आपको वहाँ का सोसाइटी वगैरह जो आपको देखने मिल जाती है तो ये है देख रहे हो, तो चलते हैं आगे।
The next day. ये रहा दोस्तों मेरे घर के नजदीक कालिंदी कुंज वाला यमुना नदी, तो मुझे तो वो यमुना घाट से 100 गुना अच्छा वैसे मुझे ये लग रहा है। सीन भी आप देखो कितने अच्छे से सीन आ रहे हैं, जो आपको फोटो चाहिए वीडियो चाहिए सारे एक से एक लुक आपको हम मिल जाएंगे। सामने फ्लाईओवर जा रहा है, सामने सुपरनोवा है, और जो यहाँ से आपको बहती हुई नदी जो दिखाई दे रही झाक झाक से वैसे देखने में ऐसा लग रहा है फोटो खींचो वीडियो खींचोगे ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ की सिल्लियां बह रही हो। और आप सोच रहे हो जो कि आपको बोटिंग वगैरह करनी है, बोटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन फर्क यहाँ पर बोटिंग वगैरह कोई होती नहीं है, सिर्फ मछुआरों के लिए ना। आप मछुआरों से बातचीत करके आप अपनी जो बोटिंग वगैरह कर सकते हो, सामने आपको दिखा देता हूँ, मैं जूम करके दिखा दूँ आपको बोटिंग वगैरह जो आप कर सकते हो। ये रही आपको बोटिंग की जो सिस्टम आपको मिल जाता है यहाँ पे, नाव वगैरह भी और कुछ नाव वगैरह यहाँ पे आपको चलाते हुए मिल जाते हैं, जो मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ते हो, तो आप उनसे बातचीत करके यहाँ पे भी बोटिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो इसलिए मैं सोच रहा था यार वहाँ की वीडियो मैंने ज्यादा इसलिए मैंने बनाई नहीं, जब थोड़ी सीन ले ली मुझे वो जो चीज मेरे को हाँ मिल रही है उससे चीज तो मुझे हाँ मिल जा रही है। तो आप देख रहे हो क्या क्या व्यू आ रहा कसम से, यहाँ ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है सुकून वगैरह। और फ्लाई ओवर मेरा कितने नजदीक से ऊपर है, नजदीक वाला फ्लाई ओवर जैसे लग रहा है, और पूरा लंबा सा रोड है यहाँ पर रूट से जो जा रहा है, और यहाँ पे दे रखा है यहाँ से मिशन जो पतला सा रोड जो बना रखा है, किसी को आना है फोटो शूट के लिए वीडियो शूट के लिए आ सकते हो, सामने फ्लाई ओवर जा रहा है तो चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। सामने जीना भी दे रखा है, जीने से उतर के कुछ व्यूज वगैरह लेनी चाहिए। और सामने आप देख रहे हो जो डैम है, डैम बना हुआ है, पानी जो फवारे निकले जो झाग वगैरह बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। सामने मिल जाती है आपको कोहरे की वजह से, ठंड का मौसम है जिस वजह से अभी जो ज्यादा वो पड़ रही है कोहरा वहरा पड़ रहा है, उस वजह से सुपरनोवा की बिल्डिंग साफ चमक नहीं रही है, लेकिन जब गर्मी टाइम पे आप यहाँ पे आते हो तो भाई साहब अलग ही चमकता है मौसम, बादल बादल सब कुछ स्काई वगैरह सब सीन यहाँ पे गर्मी के मौसम में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, जंगल वगैरह सीन पूरा आपको अच्छा वाला लुक मिल जाता है यहाँ पे आपको। ये ही जैसे बीच वाला कोई सीन आता है जैसे समुद्र के पास खड़े हो, लहरें आ रही हो, जो टकरा रही चट्टानों से, वो सीन तो आपको यही मिल जाएगा देखने में। देखो भाई साहब क्या सीन सा लग रहा है, तो चीज आपको यही अच्छी मिल जाती है। सामने देखो झाग से कितने सारे झाग दे रखे हैं, ऐसे बड़े बड़े झाग से आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये है यहाँ पे आपको बदबू बहुत आएगी उसके हिसाब से, क्योंकि ये जो झाग यहाँ पे बनने वो पानी से आपस में टकराने के बना, कुछ ना क्वांटिटी में झाग यहाँ पे आपको मिल जाता दूर दूर में, लेकिन ये आज यहाँ पे गिर जाएगा भाई साहब सेफ्टी के साथ आना, गिर जाता तो वही सब जो तैरना आता वो बात अलग है, लेकिन बदबू के मारे उसका दम यहाँ पे घुटने वाला है वो चीज़ है यहाँ पर। और लहर वगैरह तो भाई साहब काफी अच्छे सीन वो व्यूज वगैरह आपको एंगल में मिल जाते हैं ये रहे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी इस वीडियो को हमारे जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस भाई के चैनल को कि ताकि आपको ऐसी नए नए टॉपिक पे वीडियो बना के लाके देते रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी से अच्छी टॉपिक की वीडियो बना के लाके दूं, तो सपोर्ट करें आप इस भाई के चैनल को और ऐसी मदद करें कि आपके भाई का चैनल जल्दी से 1K हो चुका है और 1K से 2K पे पहुंच जाए। सपोर्ट करें इस भाई के चैनल को, मिलते हैं और किसी नए टॉपिक पे और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।